हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजल एप्टीट्यूड पाठशाला। मैं जेपी सही की आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग वोकैब। ठीक है, सब लोग बोलते हैं वोकैब वोकैब वोकैब। ठीक है, कोई ये बोलता है कि वोकैब सर हमें याद नहीं होता है, कोई ये बोलता है कि कोई ये पूछता है कि सर ये जितना वोकैब कर रहे क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये जो वोकैब के अराउंड जो आपका जो एक हवा बना हुआ है, मैं इस बात को समझ नहीं पाता। ठीक है, वोकैब लोगों का क्यों अच्छे से कवर नहीं होता है? ठीक है, क्या कारण रह जाते हैं कि लोग अच्छे से वोकैब को कंप्लीट नहीं कर पाते? हमेशा उनको लगता है कि जितना मैंने किया उतना सफिशिएंट नहीं है, कि याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में कम मार्क्स आते हैं। तो सबके रीजंस मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, और करना क्या चाहिए ये भी बताऊँगा मैं। ठीक है, आपसे मैं हार्डली 10-12 मिनट लूँगा और सब कुछ डिस्कस करूँगा। आपके बुक्स क्या होने चाहिए, आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए, ताकि आप उनको कवर कर ले तो एक आप ऐसे पोजीशन में चले जाइए कि मतलब जहाँ से आपको स्कोरिंग में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ है, बोलते हैं कि सर वोकैब हमें याद नहीं होता है। ठीक है, क्या ये वोकैब इतना सफिशिएंट है? याद क्यों नहीं होता पता है? एक चीज़ मैं आपको लिख दूँ, आप ईमानदारी से आप मेरे को बताना। एक सवाल है मेरा आपसे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली डेली वोकैब पढ़ते हैं, वोकैब याद करते हैं? ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, बहुत कम बच्चे होंगे जो डेली 10 वोकैब याद रखते हो अच्छे से। वो सुबह पढ़ता हो और रात को उसको रिवाइज करता हो, कोई नहीं ऐसा होगा, मुझे पता है। ठीक है, या फिर दिन में ही वो 3 बार उसी 10 वर्ड को बार बार रिवाइज करता हो, नहीं करता है। ठीक है, कोई नहीं करता, बहुत कम लोग होते जो करते हैं, और जो करते हैं वो टॉप कर जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप ना चाहते हो कि एक बार में ही आप 100 वर्ड कर लो, एक दिन में 100 वर्ड कर लो, और आप चाहते हो कि वो मेरे को हमेशा याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंटली जो मेहनत करेगा, जो वोकैब को याद रखेगा, ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करेगा, उन्हीं का वोकैब स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेन चीज़ तो ये है, वोकैब अगर आपको याद रखना है तो आपको कंसिस्टेंटली आपको 10-15 वर्ड डेली बोल रहा हूँ, मतलब डेली। ठीक है, ये मुझे पता लग जाता है, क्योंकि आपके मैं जो सुबह वोकैब शो करता हूँ, ठीक है, 8 AM जो वोकैब शो आता है, मैंने देखा है कि रेगुलर स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कम है। जो आते हैं, कुछ कुछ है जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, वो रेगुलर आते हैं और उनकी वोकैब भी इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो मेन चीज़ यही है कि आप डेली चीज़ों को पढ़ते नहीं हो, डेली आप रिवाइज नहीं करते हो। ठीक है, अगर आपसे इफ़ यू आर ऑनेस्ट, ठीक है, आप ये चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे पक्का। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं वोकैब आपके SSC CGL पॉइंट ऑफ व्यू से आप वोकैब को डिवाइड करोगे तो यही होता है, यही 4 चीज़ें हैं वोकैब के लिए। एंटोनिम, सिनोनिम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, यही 4 है और कुछ नहीं है वोकैब में अगर आप देखोगे, क्योंकि सब में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो वोकैब वही है। और ये चारों चीज़ें मैं अपने वोकैब शो में कवर करता हूँ मैं वीक में। ओके, तो जिसका मतलब बहुत कम लोग आते हैं कंसिस्टेंटली जो चीज़ों को देखते हैं। फाइन, अगर देखिए, अगर आपको वोकैब अगर आपको इम्प्रूव करना है ना, तो ये तो आपको इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। SSC CGL में अगर आप प्री में देखोगे, प्री में, ठीक है, प्री में आपके क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं वोकैब में। ठीक है, 25 में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं वोकैब बेस्ड। और आप अगर मेंस की बात करोगे, टीयर 2 की बात करोगे, ठीक है, तो मेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कम से कम 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंस का आइडिया लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो अभी मैं बोल देता हूँ कि आपको सोर्सेस, आपको अगर आप एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम, OWS, idioms एंड phrases, ओके, phrasal verb, इसका जो सोर्स होना चाहिए, सोर्स मैं आपको बोल देता हूँ। पहला सोर्स आपको क्या होना चाहिए, आपका प्रीवियस ईयर इज मस्ट। प्रीवियस ईयर, जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक कुछ और मत करना, और डेली कंसिस्टेंट वे में, ठीक है, वो कैप शो जो 8 AM आता है उसको तो आप वॉच करना, क्योंकि उसमें 5-6 वर्ड होते हैं, 10 मिनट आप टाइम दे सकते हो। और मैंने ये देखा है, एवरेज वॉच टाइम पूरे वीडियो का सिर्फ 3-4 मिनट होता है। लोग बस ऐसे आते, एक दो वर्ड देखते फिर चले जाते, कोई उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करते, कोई उसको रिलीजियसली एकदम लास्ट तक वॉच नहीं करता, अपने कॉपी में नहीं लिखता है, उसको रिवाइज नहीं करता है। मेन चीज़ वही है, उनको लगता है कि एग्जामिनेशन जब आएगा उससे 1 महीने पहले सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे, रट लेंगे। तो ऐसे जो होता है बस आपको मीनिंग याद रह जाता है और कुछ नहीं, और अच्छे से आपको मीनिंग भी याद नहीं रहता, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो अभी से ही सिंसियरली, रेगुलरली, कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प होगा। ये जो वोकैब का डर है ना, वो मिट जाएगा आपका। ओके, तो ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, पहले आपको ख़त्म करना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपको ऑनलाइन, आप जब सर्च करोगे ऑनलाइन, PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मैं चाहता हूँ कि आप प्रिंट आउट निकाल ले प्लीज़,
ठीक है, वो किरण जो किरण की जो मोटी बुक आती है वहाँ से पढ़ने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन एक ही मतलब 30-40 पेज में सारे कवर हो जाए, वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप कभी आप मतलब आपको आप पढ़ रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है कुछ भी पढ़ने का, तो लेट गए आप वहाँ पे, आप लेटे हुए आप सो रहे हो, मतलब सो के आप मतलब पढ़ रहे हो, एक दो वर्ड देख रहे हो ऐसे, कभी भी जब आप बोर हो जाओ तो इसको उठा लो, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो ऐसे ही, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर सबके लिए एप्लीकेबल है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, OWS, idioms एंड phrases, phrasal verb, सबका आपको ये चार PDF आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, नेट पे इसको कर लीजिए आप, फर्स्ट। दूसरा, ये सब होने के बाद, ठीक है, और पैरेलली इसके साथ ओके वोकैब शो देख लीजिए आप, ओके, या फिर कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वोकैब जहाँ पे आप डेली 5 से 10 वर्ड आप करो डेली किसी वीडियो से, ओके, डेली किसी वीडियो से आप करो, ओके। नेक्स्ट, ये सब हो जाने के बाद ओके एक बुक आती है, ये बुक मैं उसको पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूँ, ठीक है, नॉर्मन लिविस की, ठीक है, वर्ड पर मेड इजी, मैंने काफ़ी सारे सेशंस भी इसके बेस लिए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, अभी आपके पास टाइम है ओके, आप इसको पढ़ सकते हो, इसमें रूट वर्ड के बेसिस में काफ़ी सारे वर्ड्स कवर किए हुए, लेकिन रूट वर्ड सबको लगता है रूट वर्ड सब कुछ होता है, रूट वर्ड से आपको कुछ कुछ वर्ड आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने कवर भी किया हुआ है, तो रूट वर्ड आपको हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हर एक वर्ड में आप रूट वर्ड ढूंढने की कोशिश करो, नहीं, देर आर पर्टिकुलर वर्ड जहाँ पे आपको वो दिखता है आपको, जैसे आपका हो गया सर्कमफेरेंस, सर्कमलोक्यूशन, तो सर्कम जो वर्ड है दैट इज अ वर्ड, इट्स अ रूट वर्ड बेसिकली, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, लेकिन हर एक वर्ड के लिए नहीं लगा सकते हो, ये अगर नॉर्मन लिविस रूट वर्ड के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं लेकिन जो सजेस्ट करूँगा आपको नॉर्मन लिविस बुक से ही कि आप लास्ट में, एक सेकेंड, यहाँ पे एक ना ये जो लाल किताब है एकदम लास्ट में एक आपका वर्ड लिस्ट होता है, एक वर्ड लिस्ट आप अगर आप देखोगे, अगर आप आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अगर जिसने भी नया एडिशन अगर नहीं लिया है तो पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको, ये आपका 517 पेज नंबर पे है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वर्ड लिस्ट ऑफ, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे ही आता है ओके, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स ऐसे, तो इसमें आपके A to Z सारे वर्ड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इन डिटेल आपको कवर किया गया है, ठीक है, इसमें मीनिंग है, सेंटेंसेस है, ठीक है, इसकी अगर कोई एंटोनिम भी है, अगर किसी वर्ड के साथ कन्फ्यूजन भी होता है तो वो वर्ड भी मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक वर्ड लिस्ट है, मान लीजिए इतनी मोटी तो उसकी वर्ड लिस्ट है, तो इसको आप ना सिर्फ पढ़िए आप, ठीक है, इसको इस वर्ड लिस्ट को ना सिर्फ पढ़िए आप, इसको आप कॉपी में भी लिखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी में लिखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना आप एग्जाम के आगे इसको थोड़ी रिवाइज कर पाओगे, इतना मोटा है ये, इसको थोड़ी आप रिवाइज आप कर पाओगे आपको करना क्या है आपको कि यहाँ से आपको वर्ड्स लिखने हैं और आपको कॉपी में आपको मतलब एकदम कंसाइज वे में आपको उसका नोट्स बनाना है, आपको उसका मीनिंग लिखना है और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, अब देखिए एक चीज़ मैं बोलूँ, एंटोनिम्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए, ठीक है, अगर आपको एक वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता है तो डैट इज़ सफिशियंट, आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसका एंटोनिम क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द मीनिंग एंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, बाकी आप एंटोनिम आप फाइंड आउट कर लोगे अगर आपको प्रॉपरली आपको याद है कि कैसे मतलब क्या क्या उसका मीनिंग होता है उसका, फाइन, तो एंटोनिम ये सब के लिए प्रीवियस ईयर कर ले, उसके बाद नॉर्मन लिविस मैं आपको बोल देता हूँ, नॉर्मन लिविस इसको करिए आप, मस्ट इसको करिए ओके, और कुछ कुछ वर्ड आप निमोनिक्स से आप कर सकते हो ना, निमोनिक्स कुछ लगा के आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निमोनिक्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर दो कि निमोनिक्स बहुत ज़्यादा हो जाए और आपको उस वर्ड के पर्टिकुलर जो निमोनिक आपने बनाया था आपको वर्ड ही ना याद रहे, आपको तो निमोनिक तो आपको याद है, ठीक है, आपको पता लगा वर्ड ही याद नहीं है, तो निमोनिक्स किसी किसी का पता होना भी चाहिए किसी किसी का, लेकिन हर चीज़ में निमोनिक फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो ओके, तो ये बात क्लियर रखो, मैक्सिमम वर्ड्स पढ़ो, रिटेन करो, प्रीवियस ईयर नॉर्मल लिविस, यस। नेक्स्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ थोड़ा सा रीडिंग करने के लिए, हमेशा 15 मिनट्स 30 मिनट्स सबसे बेस्ट होता है, 30-40 मिनट्स, उसमें अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे जो आप मैं एक एंड्रॉयड का ऐप आता है, इफ़ यू कैन नोट डाउन, वो भी काफ़ी अच्छा है, मैं आपको बोल देता हूँ, डेली एडिटोरियल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेली एडिटोरियल करके एक ऐप है, डेली एडिटोरियल ओके, डेली एडिटोरियल ऐप, ये एक ऐप है जिसमें आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर मिंट या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब के सिर्फ एडिटोरियल लिखा आता है, ठीक है, मैंने इंस्टॉल, मेरे पास है ये सब,
ओके तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो सपोज एक वर्ड आपको नहीं आया, तो आपने उसको बस टच कर दिया, नीचे उसका मीनिंग आ जाता है विथ प्रोनाउंसिएशन। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप बुकमार्क भी कर सकते हो। आपने पढ़ लिया उस आर्टिकल को, एक वर्ड नहीं आया, आपने उसको टच कर दिया, उसका मीनिंग भी आ गया, प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, और उस वर्ड को, टफ वर्ड को आप बुकमार्क कर दो, और अपने फ़ोन में ही ये सेव रहेगा, और उसको आप बार बार रिवाइज़ कीजिए आप। ओके तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको वर्ड्स, अगर डेली आपको पता करना है कि मतलब आपको न्यूज़पेपर का अगर आप वर्ड आप रिटेन करना चाहते हो, बेस्ट तरीका है ये पढ़ने का। एडिटोरियल भी आपका हो जाएगा और आपके वर्ड्स भी, आपका वोकैब भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ओके। और ये तो आपने कर ही लिया है इतना सारा। तो एंड सिनोनिम में OWS कुछ अलग नहीं है। OWS, OWS वर्ड का मीनिंग है और कुछ नहीं है। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज में आपको बोल देता हूँ, एक जो नए नए इडियम्स एंड फ्रेज आया ना, ये आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का एक बुक आता है, ठीक है, उसी में सब कुछ है ऑलमोस्ट। तो आप उसको, आपको खरीदना नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूँ वोकैब शो में, उसको देखिए आप। और कुछ अगर नया थोड़ा सा यूनिक इडियम एंड फ्रेज आ जाए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा जो रिसेंट का जो ट्रेंड है उसको देखिए, 2017 में क्या आया था, 16 में क्या आया था, तो उसको आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि थोड़ा सा अलग हटके पूछ रहा है वो चीज़। फाइन। तो फ्रेजल वर्ब का सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि आप ब्लो ऐसे की वर्ड को आप ऐसे लिख के ना, आप हमेशा नोट्स बनाइए। आप ब्लो ब्लो सपोज आपने लिख दिया, ठीक है, ब्लो आउट, ठीक है, ब्लो ओवर, ओके, ब्लो ऑफ, तो ऐसे आप लिखोगे। कीवर्ड को यहाँ पे लिख दीजिए आप, और साथ में जो प्रीपोजिशन है उसको यहाँ लिखिए, ब्लो आउट, ब्लो आउट, ओवर, ऑफ। ऐसे लिखने के बाद फिर आप साथ में आप मीनिंग लिखो, उसके मीनिंग लिखो, उसका मीनिंग, और एक एक सेंटेंस जरूर लिखिएगा आप, उसको जरूर लिखिएगा, फिर उसको आप बार बार उसको रिवाइज कीजिए। फाइन। तो ये ऑलमोस्ट आप इसी चीज़ को, अगर मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट वे में अगर आप कर पाते हो, तभी आप वोकैब को आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई हैव टू से अबाउट हाउ टू इम्प्रूव वोकैब। ठीक है, आप इन चीज़ों को कर लीजिए, ये मोर देन सफिशियंट है अगर आप वोकैब को इम्प्रूव करना चाहते हो। प्रीवियस ईयर नॉर्मल लिवियस, ओके, डेली एडिटोरियल ऐप डाउनलोड करके, और एक ऐप आता है वोल्ट ऐप, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स है। ठीक है, और मैक्सिमम रीडिंग कीजिए, जो जो नए नए वर्ड्स उसको भी नोट डाउन कीजिए कॉपी में, तो आपका वोकैब आपका बहुत आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वोकैब के ऊपर। अब कोई नहीं पूछेगा कि वोकैब कैसे इम्प्रूव करना है, बस मेहनत करते रहिए और कंसिस्टेंटली आप इसको हमेशा डेली 5-10 वर्ड्स आप याद रखिए, और उसको बार बार उसको रिवाइज करिए। रिविजन इज़ द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके, आपको अगर वोकैब में आपको कमांड चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।